नमस्कार दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि रामनवमी और महानवमी में क्या अंतर होता है, ये हम हिंदुओं को पता ही नहीं होता है। कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि ये दोनों एक ही होती हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रामनवमी और महानवमी में क्या अंतर होता है, लेकिन उससे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि ये क्या है। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि रामनवमी भी और महानवमी भी तीनों नवरात्रि तिथि की नवमी है, यानी नवरात्रि जो हम त्यौहार मनाते हैं 9 दिन का, उसमें 9वें दिन जो ये पड़ती हैं तिथियाँ, वो हैं रामनवमी और महानवमी। यहाँ पर हमें जानना ज़रूरी है कि हम कितने तरह के नवरात्रि मनाते हैं। तो सबसे पहले आते हैं चैत्र नवरात्रि, और दूसरे होते हैं शारदीय नवरात्रि। इनके अलावा दो तरह के और नवरात्रि होते हैं, लेकिन उन्हें हम कहते हैं गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि को सिर्फ साधु संत और तांत्रिक जो होते हैं सिर्फ वही मनाते हैं। गृहस्थ जीवन में सिर्फ चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि, ये दो तरह की नवरात्रि के त्यौहार होते हैं जो हम मनाते हैं। इनमें भी चैत्र नवरात्रि साल में प्रथम पड़ते हैं, यानी कि मार्च अप्रैल के महीने में जो नवरात्रि आते हैं उन्हें हम चैत्र नवरात्रि कहते हैं। यहाँ आपको पता होना चाहिए कि चैत्र जो महीना होता है ये हिंदू कैलेंडर का पहला महीना होता है, प्रथम महीना होता है, और चैत्र का भी जो प्रथम दिन होता है उसी से चैत्र नवरात्रि स्टार्ट यानी शुरू माने जाते हैं। उसके बाद आती हैं शारदीय नवरात्रि। शारदीय नवरात्रि जो होती हैं ये दशहरा वाली होती हैं, यानी कि अक्टूबर नवंबर के महीने में जो आते हैं, दिवाली से लगभग 1 महीने पहले, उनको हम कहते हैं शारदीय नवरात्रि। ठीक है, उसके बाद आते हैं रामनवमी और महानवमी में अंतर क्या होता है। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, रामनवमी जो आती है वो चैत्र नवरात्रि में आती है। चैत्र नवरात्रि यानी कि चैत्र मास, यानी कि अप्रैल मई या फिर मार्च अप्रैल के महीने में जो नवरात्रि आते हैं उन नवरात्रि की नवमी तिथि को रामनवमी कहा जाता है। और इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है कि चैत्र मास के जो नवरात्रि होते हैं उसकी जो नवमी तिथि होती है उसी पर श्री राम का जन्म हुआ था, इसीलिए चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि को रामनवमी कहा जाता है। उसके बाद आती है हिंदू पर अश्विन मास, जो कि अक्टूबर पड़ता है ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से। तो अश्विन मास में जो नवरात्रि आते हैं उसकी जो नवमी तिथि होती है उसको हम कहते हैं महानवमी। ठीक है, और इस दिन हम माता दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की आराधना पूजा करते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को रामनवमी और महानवमी में अंतर पता चला होगा, और ये पता चला होगा कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार 4 तरह के नवरात्रि होते हैं, जिनमें से 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं और 2 होते हैं चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।